आज हम बनाएंगे जुकनी मसाला फ्राई और ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है और ये आसान है बनाने में। इसका स्वाद भी एकदम मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हमने जुकनी ली है, ये इस साइज की है और इसका दोनों तरफ से डंठल निकाल लेंगे और इसको बीच से कट करेंगे और ऐसे पतला पतला स्लाइस कर लेंगे। इसका सारा ऐसे ही कर लेंगे। अब हमारे ये सब कट गए। अब हम मसाला तैयार करेंगे। 2 चम्मच बेसन लेंगे, फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर डालेंगे। इससे स्वाद अच्छा होता है, चटपटा अच्छा लगता है। 1/2 से थोड़ा सा कम काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये चटपटा मसाला मिक्स है, ये घर का होममेड चटपटा मसाला है, हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर ये नहीं हो तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरा बढ़िया से मिक्स करेंगे दबा दबा के, जब तक बढ़िया से मिक्स ना हो जाए। अब हम चलते हैं, उसमें लगाएंगे। 1-1 जुकनी लेंगे और इसमें दोनों तरफ से पूरा अच्छे से उस पर लगा लेंगे मसाला और ऐसे ही सारा लगा लेंगे। और सारा लगा लेंगे ऐसे ही और इसको 5 मिनट तक रख देंगे ताकि सारा मसाला चिपक जाए। और ये हमारा मसाला थोड़ा बच चुका है, इसको आप यूज कर सकते हैं सब्जी में, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। हमने सब में मसाला लगा लिया है, अब चलते हैं बनाने। गैस जलाएंगे और पैन रखेंगे और इसमें सरसों तेल डालेंगे और इसको सेलो फ्राई करेंगे। 3 से 4 टीस्पून डालेंगे तेल। अब इसको गर्म होने देंगे 1 से 1.5 मिनट तक। ये हमारा गर्म हो चुका है। अब हम 1-1 करके उसमें डालेंगे तेल में और फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सिकने देंगे। अब हम फ्लेम को कम करेंगे, मीडियम करेंगे फ्लेम। और ये देखिए 1 मिनट हो गए सिकते हुए। अब हम पलट लेंगे, 1-1 करके सारा पलट लेंगे। देखिए अच्छा कलर आया है इसका, बढ़िया से सिक गया है। अब लगभग 1 मिनट के बाद दूसरी साइड भी हम पलट लेंगे। ऐसे ही बार बार पलट पलट के पकाते रहेंगे अच्छे से। और ये बहुत जल्दी पक जाता है, लगभग 3-4 मिनट में ये रेडी हो जाता है। ये देखिए हमारा हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे और हमने फ्लेम को कम किया है। अब हम दूसरा डाल लेते हैं और ऐसे ही सारा बना लेंगे। और देखिए एक हमने ऐसे मोड़ के बनाया है और ऐसे मोड़ के आप टूथपिक लगा सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है। और हमारे जुकनी फ्राई बन के रेडी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ट्राई करें और कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।